हेलो फ्रेंड्स, राज इतिहास के में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक चांद मिशन के बारे में। क्या है भारत का चंद्रयान मिशन 2? चलिए जानते हैं भारत के चंद्रयान मिशन 2 के बारे में। चंद्रमा पृथ्वी का नजदीकी उपग्रह है, जिसके माध्यम से अंतरिक्ष में खोज के प्रयास किए जा रहे हैं। यह अंतरिक्ष मिशन के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी आजमाने का परीक्षण केंद्र भी हो सकता है। चंद्रयान 2 भारत का दूसरा चंद्र अभियान। चंद्रयान 2 खोज के नए युग को बढ़ावा देने के लिए, अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ बढ़ाने के लिए, प्रगति को बढ़ावा देने के लिए और वैज्ञानिकों की भावी पीढ़ी को प्रेरित करने में भी सहायक होगी। चंद्रयान 2 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो ने विकसित किया। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से भारतीय समयानुसार दोपहर 2:43 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था। इस अभियान में GSLV-3 प्रक्षेपण का इस्तेमाल किया गया था। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर और एक लैंडर शामिल है। चंद्रयान 2 के प्रक्षेपण 15 जुलाई 2019 को ही होना था, लेकिन तकनीकी गड़बड़ के चलते उसे 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। चंद्रयान 2 से चांद की भौगोलिक संरचना, भूकंपीय स्थिति, खनिजों की मौजूदगी और उनके वितरण का पता लगाने, सतह की रासायनिक संरचना, ऊपर मिट्टी का ताप, भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करने में चंद्रमा के अस्तित्व में आना था तथा उनके क्रमिक विकास के बारे में नई जानकारियां मिल सकेगी। ये था उद्देश्य चंद्रयान 2 का। ऑर्बिटर पेलोड 100 किलोमीटर दूर की कक्षा से रिमोट सेंसिंग अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर और रोवर पेलोड लैंडिंग साइट के नजदीक आंकड़े इकट्ठा करेगा। चंद्रमा की संरचना समझने के लिए वहाँ की सतह में मौजूद तत्वों का पता लगाने और उनके वितरण के बारे में व्यापक स्तर पर परीक्षण किए जाना था। सतह के पास प्लाज्मा वातावरण का अध्ययन करना, भूकंपीय गतिविधियों को मापना, विस्तृत 3D मैपिंग, इस तरह की आंकड़े इकट्ठा किए जाएंगे। अब जानेंगे कौन सी चीजों का उपयोग चंद्रमा पर किसके लिए किया जाएगा। चंद्रयान 2 के विस्तृत क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल। इमेजिंग IR स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग मिनरोलॉजी मैपिंग और जल तथा बर्फ होने की पुष्टि के लिए। सिंथेटिक एपर्चर रडार LNS बैंड, जिसके द्वारा ध्रुवीय क्षेत्र मानचित्रण और उपसतही जल और बर्फ की पुष्टि के लिए। ऑर्बिटर हाई रेजोल्यूशन कैमरा, जिससे हाई रेंज टोपोग्राफी मैपिंग की जा सके। अल्फाकन एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर चालित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा लैंडिंग साइट के आसपास मौजूद तत्वों और खनिजों की मात्रा का विश्लेषण करने के लिए। आइए जाने ऑर्बिटर, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का काम। ऑर्बिटर चांद की सतह की तस्वीरों को जमा करेगा। ऑर्बिटर द्वारा भेजी गई तस्वीरों से लैंडिंग की सतह के बारे में जानकारी मिलेगी। विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। प्रज्ञान रोवर लैंडर विक्रम के चांद पर उतरने के बाद इसके भीतर से रोवर प्रज्ञान बाहर निकलेगा और एक चंद्र दिवस यानी पृथ्वी की 14 दिनों की अवधि तक अपने वैज्ञानिक कार्यों को अंजाम देता रहेगा। प्रज्ञान चंद्रमा के उस दक्षिण ध्रुव पर जाएगा जहां रोशनी नहीं है। ये इलाका अंधकार में डूबा रहता है, लेकिन यहां पानी होने की संभावना है। प्रज्ञान बताएगा कि वहां पानी है या नहीं, साथ ही पता करेगा कि वहां कोई मिनरल वगैरह है भी या नहीं। चंद्रयान 2 चंद्रमा पर भेजा जाने वाला भारत का दूसरा संस्करण है। इस मिशन की कुल लागत 960 करोड़ रुपए है। विदेशी धरती से इस मिशन को लॉन्च करने की तुलना में ये लगभग आधी है। चंद्रयान 2 को ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर लगभग पूरी तरह भारत में ही डिजाइन किया गया है और बनाया गया है। भारत ने 2,40,000 मील की यात्रा के लिए चंद्रयान 2 को तैयार किया है। चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर चंद्रमा पर लगभग 70 अंश दक्षिण के अक्षांश पर स्थित दो क्रेटरों मजीनस सी और सिंपेलियस एन के बीच एक उच्च मैदान पर उतरने का प्रयास करेगा। चंद्रयान 2 को भारतीय समय अनुसार 15 जुलाई 2019 को सुबह 2:51 पर प्रक्षेपण करने की योजना थी, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी खराबी की वजह से यह रद्द किया गया, जिसके बाद इसका समय बदलकर 22 जुलाई 2019 कर दिया गया। 7 सितंबर 2019 को रात के 2 बजे चंद्रमा के धरातल से 2.1 किलोमीटर ऊपर विक्रम लैंडर का इसरो से संपर्क टूट गया। दोबारा से विक्रम लैंडर से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र यानी इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा है, विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई तक सामान्य तरीके से नीचे उतर रहा था। इसके बाद लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया। आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है। 8 सितंबर 2019 को इसरो के चेयरमैन डॉक्टर के सिवन ने घोषणा की कि लैंडर को चंद्रमा की सतह पर ऑर्बिटर के थर्मल छवि की मदद से देखा गया है। ऑर्बिटर एवं अन्य एजेंसी लैंडर के साथ संचार स्थापित करने का प्रयास कर रही है। हालांकि चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा से चंद्रमा की सतह से कुछ बेहतरीन चित्र भेजे हैं। भले ही लैंडर विक्रम से 2.1 किलोमीटर पर इसरो के
कंट्रोल रूम का संपर्क टूट गया हो, लेकिन ऑर्बिटर पहले ही लैंडर विक्रम से अलग हो चुका था। ऑर्बिटर करीब एक साल तक चांद का चक्कर काट रहा है और वहाँ की अहम जानकारी इसरो को भेजेगा। बताते हैं कि चंद्रमा 2 अंतरिक्ष यान के 3 खंड है, ऑर्बिटर, विक्रम और प्रज्ञान। विक्रम 2 सितंबर 2019 को ऑर्बिटर से अलग हुआ। विक्रम लैंडर का नियंत्रण उस समय समाप्त हुआ जब नीचे उतरते समय उसके थ्रस्ट को बंद किया होगा और वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके कारण संपर्क टूट गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुताबिक मिशन का सिर्फ 5% लैंडर विक्रम और प्रज्ञान रोवर का नुकसान हुआ है, जबकि बाकी 95% यानी 95% चंद्रयान 2 ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा का सफलतापूर्वक चक्कर काट रहा है। एक साल मिशन अवधि वाला ऑर्बिटर चंद्रमा की नई तस्वीरें इसरो को भेज सकता है। ऑर्बिटर लैंडर की तस्वीरें भेज सकता है जिससे उसकी स्थिति के बारे में पता चल सकता है। तस्वीरों में देखा गया है कि चंद्रमा की सतह के पास का मौसम बदलना भी मिशन के फेल होने का कारण बन सकता है। वहां अंधेरी रात छाने लगी थी, साथ ही वहां का तापमान लगभग 200 डिग्री सेल्सियस गिर गया था। अचानक मौसम में हुए बदलाव के चलते विक्रम लैंडर वहीं अटक गया। एक हफ्ते तक नासा ने चांद के उत्तरी ध्रुव पर फोटो लेने की कोशिश की थी, लेकिन चांद के आसपास ज्यादा अंधेरा होने से फोटो नहीं लिए जा सके। हाल ही में साझा हुई तस्वीरों में देखने को मिला है कि विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करते समय घूम गया था। विक्रम के इंजन की दिशा घूमकर आकाश की तरफ हो गई थी, जिसके चलते ये चांद की सतह पर ठीक से लैंड नहीं हो सका। क्योंकि विक्रम ठीक से लैंड नहीं हो पाया था, ऐसे में ऑर्बिटर के चक्कर लगाने की गति को धीमा किया गया। मिशन को एक साल में पूरा किया जाना था, अब ईंधन की बचत के चलते इसमें 7 साल का वक्त लग सकता है। अगर चंद्रयान 2 का लैंडर चांद के दक्षिण पोल की सतह को छू लेता तो भारत उन 4 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाता जिसने कामयाबी से अपने यान चंद्रमा की सतह पर उतारे हैं। चंद्रयान 2 इसलिए भी जरूरी है कि चंद्रमा पर स्पेस स्टेशन बनाने के लिए पानी की जरूरत होगी। 22 जुलाई 2019 को जब चंद्रयान 2 चांद के लिए निकला था तो एक मुकम्मल अंतरिक्ष यान था। धीरे धीरे इसके 2 हिस्से हुए, ऑर्बिटर और लैंडर। अब रोवर यानी प्रज्ञान के अलग होने के बाद तीनों को ट्रैक करना इसरो के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगली बार मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।